नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज जुडिशरी की सीरीज में हम करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट केस। केस है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। कहा जाता है इस केस की वजह से नेशनल इमरजेंसी आई थी। ये केस एक रीजन था नेशनल इमरजेंसी के आने पर। तो देखेंगे क्या क्या इस केस में हुआ, डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। अगर आप स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे यहाँ से इसके कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। कोर्सेज के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। साथ ही साथ आप मेरे सारे वीडियोस के पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @kapillive से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @kapilsik का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात है 1975 की। इस केस को इलेक्शन का केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस के फैक्ट समझने के लिए हमें चलना होगा 1971 के जनरल इलेक्शन में। 1971 के जनरल इलेक्शन में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से जीत जाती हैं। उनके कंटेस्टेंट, उनके ऑपोजिशन, एक और ऑपोजिशन में कंटेस्टेंट थे, वो थे राजनारायण। राजनारायण इलेक्शन हार गए। इलेक्शन हारने के बाद राजनारायण ने इंदिरा गांधी को एक्यूज किया कि मैडम ने जो इलेक्शन जीता है वो करप्ट प्रैक्टिस और मसल पावर को यूज करके जीता है। पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं, पूरी पुलिस फोर्स जो है, वो मैडम को इलेक्शन जिताने में लगी हुई थी। ये केस पहुंचा अलाहाबाद हाईकोर्ट 1975। 12 जून 1975 को अलाहाबाद हाईकोर्ट ये डिसीजन देता है कि मैडम का जो इलेक्शन है वो नल एंड वॉइड है। मैडम ने यहाँ पे इस इलेक्शन में धांधली की है, इस इलेक्शन में करप्शन देखा गया है, इसलिए हम इस इलेक्शन को निरस्त करते हैं, इनवैलिडेट करते हैं। बात है 12 जून 1975 की। अब इस केस की वजह से मैडम को जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट 18 जून 1975। सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच कहती है कि अभी अलाहाबाद हाई कोर्ट की इस जजमेंट पे हम स्टे लगाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम एक बात कह देते हैं कि जब तक हम इस केस की सुनवाई नहीं कर लेते, डिसीजन पे नहीं आ जाते, इंदिरा गांधी जो है वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह ही इस पोस्ट को, अपनी पोस्ट को एंजॉय करेंगी। वो किसी भी तरह की पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ऑब्वियसली बात है, रिटेलिएशन होना ही था। और आपने देखा 25 जून की रात, 26 जून की सुबह आपको नेशनल इमरजेंसी की बात देश में पता चली। अब क्या हुआ था आगे इस केस के, वो जानना ज्यादा जरूरी है। बात है 10 अगस्त 1975, ये इमरजेंसी का समय था। 10 अगस्त 1975 को कहा जाता है कि 5 दिन के अंदर अंदर पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट पास किया। ये कहा गया है कि दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का सबसे फास्ट टाइम, सबसे कम समय में दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड इन्हीं 5 दिनों में किया गया। ऐसा इंस्टेंस हमें कहीं नहीं मिलता। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस की हम बात कर रहे हैं। 10 अगस्त 1975 में 39th अमेंडमेंट है वो पास किया गया। उस अमेंडमेंट ने अलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट को नलीफाई किया, साथ ही साथ एक आर्टिकल 329A को भी इंसर्ट किया आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसमें यह कह दिया गया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ रहे इलेक्शंस को कंप्लीट प्रोटेक्शन है। अगर यहाँ पे पीएम का इलेक्शन होता है, स्पीकर का इलेक्शन होता है, तो उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस को, स्पीकर के इलेक्शंस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है कोर्ट को रिटेलिएट करना ही था। इसके लिए ये केस सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जजमेंट को रिज्यूम किया 11 अगस्त 1975, मतलब 39th अमेंडमेंट के पास होने के अगले दिन इसकी जजमेंट को रिज्यूम, इसको कोर्ट ने रिज्यूम किया इस केस को। अब कोर्ट कुछ जजमेंट देता है, उस जजमेंट को हमें जानना जरूरी है। वो जजमेंट है कि सबसे पहली चीज, इंदिरा गांधी के इलेक्शन को अपहेल्ड कर दिया गया था और अलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया गया था। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा आर्टिकल 329A जो आपने 39th अमेंडमेंट से डाला है, ये नल एंड वॉइड है, क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि जुडिशरी के पास पावर है कि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांचेस को टाइम टू टाइम लुक आफ्टर करती रहेंगी, जुडिशियल रिव्यू करती रहेंगी। आप 329A से हमारी जुडिशियल रिव्यू की पावर ले रहे हो, वो गलत है। साथ ही साथ जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, वो भी इस सेक्शन में, इस आर्टिकल में इन्फ्रिंज किया जा रहा है। इनफैक्ट जस्टिस मैथ्यू ने तो यहां तक कह दिया कि ये आर्टिकल डिस्पोटिक पावर्स दे देता है स्टेट को, और इससे स्टेट डिस्पोटिज्म की तरफ बढ़ेगा, कोर्ट का रोल खत्म किया जा रहा है। सो ऑब्वियसली बात है, कोर्ट का रोल खत्म होने का मतलब पार्लियामेंट एक सुप्रीम पावर बनती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन को बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में डाल देते हैं। साथ ही साथ जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर का उतना ही पार्ट है जितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और बाकी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इनफैक्ट जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस आर्टिकल को, 329A को स्ट्राइक डाउन कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया। उन्होंने ये कहा
कि अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह का कोई भी एक्ट जो कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू को रोकता है, इस तरह का कोई भी एक्ट जो डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को खत्म करता है, वो अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। याद रखिए 73 में केशवन भारती केस आया, 75 में राज नारायण वर्सेज इंदिरा गांधी केस आया। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के केसेस में एक केस ये भी गिना जाता है, और ये भी कहा जाता है कि एक लैंडमार्क जजमेंट रही है जिसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की डेफिनेशन को और ज्यादा एक्सपैंड किया है। इनफैक्ट यहाँ पे जस्टिस चंद्रचूड़ ने डिसीजन देते समय, जजमेंट देते समय एक बात और कहा कि सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेटस भी भारत का बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, इक्वालिटी भी बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आप बोलें कि सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म को भी हम बेसिक स्ट्रक्चर मानेंगे, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस को, रिलीजन को भी हम बेसिक स्ट्रक्चर मानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गवर्नमेंट ऑफ लॉज यानी रूल ऑफ लॉ को हम बेसिक स्ट्रक्चर मानेंगे। और अगर रूल ऑफ लॉ को बदलने की कोशिश की जा रही है, अगर बदला जा रहा है, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इन्फ्रिंजमेंट का इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इस इलेक्शन को तो नल एंड वॉइड नहीं किया, उन्होंने ये कहा कि इंदिरा गांधी जो है अपनी पोस्ट पे बैठी रह सकती हैं, वो बिल्कुल पीएम जो वो बनी है एकदम वैलिड है वो केस, उसमें कोई इशू नहीं है, इलेक्शन मैल प्रैक्टिस जो है वो नहीं इस तरह से सामने आई है। हो सकता है राजनारायण को लगा हो, राजनारायण की पिटीशन थी उस पे हमने इस जजमेंट को दिया है, लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पे जो 39th अमेंडमेंट किया है और उसके थ्रू जो कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर को लेने की कोशिश की है और पीएम और स्पीकर के इलेक्शन को कंप्लीट प्रोटेक्शन के साथ गवर्नमेंट आगे बढ़ाने की जो कोशिश कर रही है, जिसमें वो अननेसेसरी पावर्स अपने पास रख रही है और कोर्ट को साइडलाइन कर रही है, वो चीज़ हम नहीं मानेंगे। इसलिए हम रूल ऑफ लॉ को किसी भी चीज़ से, किसी भी अमेंडमेंट से ऊपर मानते हैं और रूल ऑफ लॉ के चलते हम कंप्लीट जुडिशियल रिव्यू की पावर रखेंगे। तो इतना ही कहा गया था इसमें, और कहा जाता है कि इसकी वजह से जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ, और इसके कुछ ही समय के बाद आप देखेंगे लगभग साल भर के बाद एमरजेंसी जो है वो वापस ले ली गई थी, वो एक अलग मुद्दा है, वो और केसेस हम आगे देखेंगे। यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, 50% डिस्काउंट पे हैं, आप studyiq.com से इसको एक्सेस कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारी ऐप के थ्रू भी इसे परचेज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी, इस तरह के और केसेस हम लाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।